यूपी में घटिया सड़क निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने जताया आक्रोश, कराया कार्य बंद। बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक व मंत्री रामकिशोर कावरे के क्षेत्र के ग्राम ढूटी में सड़क निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश जाहिर किया है। वहीं आक्रोश जाहिर करते हुए घटिया निर्माण कार्य को लेकर कार्य बंद करा दिया है और गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य की मांग की है। जानकारी अनुसार आरईएस विभाग से स्वीकृत ड्यूटी रेस्ट हाउस से ड्यूटी नहर तक कुल 2 किलोमीटर की डामरीकृत रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लागत 1,48,00,000 रुपए बताया जा रहा है, जिसमें निर्माण एजेंसी द्वारा मुरुम के एवज में काली मिट्टी या भूरी मिट्टी से साइड शोल्डर भरा जा रहा है। साथ ही पाइप पुलिया के निर्माण में भी बिना बेस किए ही पाइप डालकर मिट्टी भरा जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया है और घटिया निर्माण कार्य किए जाने पर काम रुकवा दिया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मध्य प्रदेश के आयुष मंत्री व क्षेत्रीय विधायक रामकिशोर कावरे के सहयोग से यह सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार के द्वारा मनमानी करते हुए घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार से घटिया निर्माण कार्य नहीं होने देंगे, अगर काली मिट्टी से भराव किया जा रहा है तो निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। आपका परिचय? मैं सुरेश क्षीर सागर, ग्राम ढोटी का निवासी हूँ। अच्छा, आज ग्राम ढोटी में जो रोड बन रही है, गुणवत्ता विहीन जो रोड बनाए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जैसे रोड गुणवत्ता वाली बनना चाहिए, परंतु ठेकेदार द्वारा काली एवं भूरी मिट्टी द्वारा टोल्डर भरा जाता है और एकदम ऐसा है कि गुणवत्ताहीन रोड बन रही है। अच्छा, ये पुल पुलिया में बेस नहीं डाला जा रहा है? हाँ, ये पुल पुलिया में साइड शोल्डर भरा गया है। बासा था कि बीच वाला जो है उसमें कोई किसी प्रकार का बेस नहीं है, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें मैं यही चाहता हूँ कि ठेकेदार एवं संबंधित अधिकारी से संपर्क कर रोड अच्छे से अच्छे बने, यही हमारी एक मांग है। का परिचय? भैया, मेरा नाम नेतलाल रामडाली, ग्राम ढुकड़ी से हूँ। अच्छा, आज ये जो रोड बन रहे है, निर्माण हो रहा है, इसमें क्या परेशानी है आपको? इसमें भैया मुरुम के नाम पे भूरी मिट्टी और काली मिट्टी डाली जा रही है। अच्छा, और ये जो पुल निर्माण हो रहा है इनमें बेस नहीं हो रहा है और पुल इतने गड़ा दिए हैं, इसमें पानी तो रोड के ऊपर से ही जाएगा ऐसा लगता है। पुल के नाम है सिर्फ संख्या है पुल। अच्छा, आप अपने ठेकेदार से या अधिकारियों से संपर्क साधे? नहीं, अभी तो मिले नहीं, लेकिन आज पहला दिन हम लोग आए थे यहाँ पर देखने। अच्छा, तो आज देखे तो यहाँ मिट्टी और पुल जो दिखे जमीन पे गड़े हुए। आप इसका विरोध जता रहे हैं? हाँ, बिल्कुल विरोध जता रहे हैं भैया हम लोग। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी रोड बने और जैसा इसका चाहे मुरुम का है उस हिसाब से मुरुम डाले और इसको अच्छा हो, ऐसा चाह रहे हैं। आपका नाम? खिलेश्वर पटले। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम ढूटी के निवासी हैं। अच्छा, आज ये क्या हो रहा है ग्राम ढूटी में, जो रोड बन रहा है इस पर? ये गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण हो रही है, जिसमें गांव वालों ने रोष प्रकट कर संबंधित ठेकेदार से वार्तालाप किया है। अच्छा, कौन से विभाग से बनाई जा रही है? ये आरएस विभाग से सड़क बनाई जा रही है। इसकी स्वीकृति कितनी है? 1,48,00,000 रुपये की सड़क है, 2 किलोमीटर सड़क है। अच्छा, कैसा क्या है इसका मामला? इसमें मुर्मीकरण से इसका बॉक्स कलवर्ट भरना था, मगर ठेकेदार द्वारा टोटल मिट्टी डाल करके रोड निर्माण किया जा रहा है, जिसपे गाँव वालों ने आपत्ति दर्ज की है और अभी फिलहाल में काम को रोक दिया गया है। अच्छा, कौन सी मिट्टी डाली जा रही है? ये गांव की ही काली मिट्टी है और कुछ भूरी मिट्टी भी है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि पुलिया निर्माण में बेस नहीं किया जा रहा है, साइड बेस डाला गया है और जो मध्य में पाइप के होते हैं वो बेस नहीं डाला गया। तो आपके द्वारा किसी को शिकायत किया गया? अभी फिलहाल तो शिकायत किसी को नहीं किया गया है, बस अभी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं सड़क का कि इसमें क्या चीज़ है और क्या नहीं है। अच्छा, आप चाहते क्या है? हमें उच्च गुणवत्ता की सड़क चाहिए जो एक रेसो पे हों। इसके इंजीनियर कौन? इंजीनियर तो वही आरएस डिपार्टमेंट के इंजीनियर हैं। उनसे चर्चा की है आपने? अभी मैंने फिलहाल चर्चा नहीं किया हूँ। आपका नाम? खिलेश्वर पटेल। आपका परिचय? भुवनेश्वर रजक। कौन से पद में? मैं यहाँ जनपद सभापति के पद में। कौन से सभापति हैं? निर्माण सभापति। अच्छा, आज ये जो रोड निर्माण हो रहा है जी, ये गुणवत्ता विहीन हो रहा है, तो इस बार इस संबंध में आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी मेरे को जानकारी लगी ग्रामीण जनों के द्वारा कि यहाँ पे मतलब रोड में काली मिट्टी डाली जा रही करके, यहाँ पे देखा मैंने, निरीक्षण किया, पाया कि कुछ जगह में
काली मिट्टी डल गई है उनसे, मुरुम डालते डालते कहीं ना कहीं जो खदान है वहाँ पे कई जगह काली मिट्टी आ जाती है। अब कहीं आ गई है तो अपन ठेकेदार को बोलेंगे, विभाग को बोलेंगे कि उसको हटा ले वो और गुणवत्ता युक्त रोड का निर्माण करे। कौन से विभाग से बन रहे रोड? आरईएस से बन रहा है। कितनी स्वीकृत है रोड की? 1,48,00,000 के आसपास। कहाँ से कहाँ तक बन रही? ये ढूटी के पास नहर है, वहाँ से लेकर के रेस्ट हाउस तक रोड बन रही है। कितना किलोमीटर होगा लगभग? 2 किलोमीटर। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में, उनके द्वारा पुल पुलिया निर्माण किया जा रहा है जिसमें बेस नहीं डाला जा रहा? अब चूंकि एक दिन में आया था, मैंने बोला कि साइड बेस तो ये पूरे डाल रहे हैं, अब अंदर का बेस जिस दिन डल रहा था, मैंने मतलब मैं उस दिन तो नहीं आया था, अब चूंकि मैंने कहा था तो एस ओ आर के हिसाब से काम हो रहा है, उन्होंने ऐसा जवाब दिया था। अच्छा, अगर वहाँ बेस नहीं डालेंगे, सिपेज होगा तो पाइप बैच नहीं है, बैठेगी कि नहीं? अब ये तो टेक्निकल पर्सन बता पाएंगे भैया। अच्छा, यहाँ के उपयंत्री कौन है? उपयंत्री आरईएस के उपयंत्री है, मुझे उनका नाम जानकारी है। आपने कोई संज्ञान में लिए नहीं गए रोड के बारे में? एसडीओ हमारे खरे साहब है। पूरा नाम खरे साहब? खरे साहब ही जानते हैं हम तो। आपका परिचय एक बार। मैं भुवनेश्वर रजक, निर्माण सभापति, जनपद पंचायत वाला। लामता से शत्रुघ्न ठाकरे।